नमस्कार, swayam.org के लिए हिंदुस्तानी संगीत पर ये जो कोर्स हम कर रहे हैं उसके इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ विख्यात गायक, संगीतकार, म्यूजिकोलॉजिस्ट पंडित सतीशील देशपांडे जी हैं और तबले की संगत श्री धनंजय खरवंडीकर जी आज करने वाले हैं। और हिंदुस्तानी ख्याल संगीत के जगत का एक बहुत बड़े स्पैन का जो दृष्टिकोण सतीशील जी के पास है उसके लिए उनकी ख्याति है, तो उनसे आज इस बारे में चंद शब्द हम सुनेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शायद मेरी अवस्था आप लोगों से ज़्यादा होगी, उम्र बढ़ी हुई है, तो एक बुज़ुर्ग साधक ये मेरी प्रतिमा में स्थापित करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मैं एक अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जज के मुताबिक दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सीनियर विद्यार्थी और जो मैंने इस विषय का अभ्यास किया है कि इस संगीत को इंडिविजुअल एक्सप्रेशन से जो एक 50-60 वर्ष पूर्व गाया गया उतना ध्वनि वैचित्र्य और उतना सौंदर्य विचार में फर्क आजकल की पीढ़ी में नज़र नहीं आता। इसका कारण शायद ये होगा कि संपर्क माध्यमों की अनुपस्थिति। इसलिए आगरा के फैयाज का किराने के अब्दुल करीम से बहुत दूर है, इन देर वॉइस कल्चर, इन देर इन मिजाज उतना अलग है। तो और वहां पर तभी कोई मानकीकरण का या स्टैंडर्डाइजेशन का कीड़ा, तब तक वो वायरस पैदा नहीं हुआ था, अपने अपने विशिष्टता में ये रखता था। और मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन का काम किया 10 साल में, उसमें सबसे पहले मैंने ये सीखा कि हर कलाकार का गायन उसके भावभूमि में जाकर, उसके परिवेश में जाकर, किन लोगों को उसका गाना क्यों अच्छा लग रहा है, इसका अभ्यास करना। हम एक चौराहे में खड़े होकर के ये नहीं पूरब से पश्चिम अच्छी है या दक्षिण का जो लुत्फ है वो उत्तर में नहीं, ये कहना मूर्खता है। आप फिर उत्तर में जाइए, गो टू द पोल्स, गो टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड देन टॉक अबाउट इट। आप तो बनारस में बैठे हो ग्रीनविच में, हाँ, और आपके चार के जो वो एक्सट्रीम वेदर्स हैं उनकी बात कर रहे हो, आपके संतुलित उसमें ठंडाई में और एक टेम्परेचर में बैठे हो आपके। तो कहने की बात अब आई ऐसे कि जो अलग अलग मिजाज हैं उनसे घराने बने, वो अलग अलग मिजाजों को अब थोड़ी मेरी जबान थोड़ी उटपटांग है कि जब किसी भी सौंदर्य मूल्य को उस फाउंडर द्वारा प्रस्थापित फॉलो करते हैं तो घराना बनता है। न अब्दुल करीम खां साहब की इच्छा थी, न फैयाज खां साहब की इच्छा थी कि मेरा घराना बने। कुमार जी ने जब हमें सिखाया तो उन्होंने, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, मैं सबूत लिया हूँ। खैर मैं पैदा नहीं था जब अब्दुल करीम और वो फैयाज खां उनके ज़माने में, पर उनके सौंदर्य मूल्य वो तो वो खुद को ही बदलते रहे। कुमार जी का आप हर 10 साल के बाद का ख्याल सुने उसमें फर्क है, क्योंकि वो अपना घराना बने, इसलिए वो खुद को थोड़ी दोहरा है ताकि आप लोग को उनको दोहराना आसान हो। वो तो आगे जाएगा ना, कभी खुद को जो दोहराता है उसका घराना बनता है। खैर देखिए, टू री इंटरप्रेट हिस्ट्री और पास्ट इवेंट्स इज ऑल्सो इक्वली क्रिएटिव। और हमारे संगीत के संदर्भ में क्या होता है कि परंपरागत कला मूल्य जो है वो बदलते नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति बनती बदलती है, जिसे कंटेम्पररी इडियम कहते हैं। ये समझाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे मध्यलय की लिल्ट, मध्यलय में गायक जब करता है तो मैं उसे लय क्रीड़ा कहना पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसे शब्द क्रीड़ा कहना चाहता हूँ, क्योंकि शब्द जो है वो गायक का प्लेक्ट्रम या नखी है, मिजराफ है, वो आघात करेगा। कभी वो आघात तीक्ष्ण होते हैं, कभी वो टणात्कार होते हैं, तो कभी तरंग होते हैं, और उससे सौंदर्य में फर्क आता है ना। अ स्ट्रांग स्ट्रोक एंड अ माइल्ड स्ट्रोक में जो फर्क है वो गायक बियॉन्ड द लैंग्वेज मीनिंग।
तो इसका उपयोग करके जो गायक मध्य लय में बोल बनाव करता है, जैसे कि आगरा घराना करता है, तो वो शब्द क्रीड़ा है। पर सौंदर्य मूल्य क्या है? मध्य लय में एक लिल्ट पैदा करना। अगर तंत में बजेगा वो तो वो लय क्रीड़ा होगी, क्योंकि तंत में शब्द नहीं है। अब ये फैयाज खां साहब ने अपने हिसाब से की, हमारे बबन हलकर जी ने और उनके गुरु खादिम हुसैन, दोनों को मैंने खूब सुना, उन्होंने अपने तरीके से की। बबन जी ने खादिम हुसैन की कॉपी नहीं की, पर उस पथ से वो आगे चले। जैसे कुमार जी का लय विचार मेरे आवाज में शायद उनकी वो बात क्यों हो, क्योंकि मेरी पैदाइश अलग है, पर वो लय विचार मैंने खूब उसको यहां वहां घुमा करके खुद आनंद लिया है। लोगों को कितना है मुझे पता नहीं। तो पारंपरिक कला मूल्य चिरंजीव है कि मध्यलय में एक लिल्ट पैदा करना। अब तो ये पारंपरिक, पर अभी भिंडी बाजार घराने ने उसमें अलग काम किया, अलग अंदाज से किया। हाँ, पर पारंपरिक कला मूल्य का है। मैं मिसाल देता हूं, बंदिश में नहीं है, ये शब्द क्रीड़ा करने के लिए डाला है। बाजे मोरी पायली या प्रेम, प्रेम उनका तकल्लुस था, ये बंदिश में नहीं है। मोरी आवृत्ति करने के लिए या प्रेम बाजे मोरी पायली या प्रेम बाजे मोरी कैसे तुम्हारे पास मितवा। अब जितने लताफत का गाते बाजे मोरी पायली चलने दो, मेरे बंदिश में फर्क है। मैंने सोच समझ के किया हुआ फर्क इसलिए है कि हम हमारी गुरु परंपरा में देवधर जी ने मुझे डायरेक्ट बताया है कि बरवा इज इक्वल टू देसी प्लस सिंदूरा। रेम रेम इनमें क्यों कर रहा हूं मैं, लताफत का नहीं करते। पर वो मेरे बुजुर्ग है और उनका कला विचार को मैं मेरे तरीके से रख रहा हूं, और शास्त्रीय संगीत में इतना ही हो सकता है। हम बरवा में शुद्ध गंधार तो नहीं लगा सकते, कोई नई फ्रेज नहीं ला सकते। हमारी स्पेस मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्फेसिस कैन ओनली क्रिएट वैरायटी इन अ गिवन रिदमिक साइकिल। कैसे कर
मगर से करेगा घरे रे कैसे करे करे ये आगरा कराने का अंदाज है कैसे करे मरे पास मितवा बाजे मोरे बायलिया कैसे करे तुम्हारे पास मितवा अब आगरा घराने में मुझे आगरा घराना समझे इसलिए जो मैंने विचार किया तो ये एक खाली भरी में कव्वाली कव्वाली अंग की पुनरुक्ति जैसे मैंने बचपन में बहुत कव्वाल सुने हैं ग्वालियर डंग में तेजपाल हॉल में यूसुफ आजाद रियल यूसुफ आजाद शकीला बानो भोपाली जानी ब्रदर्स और उनकी मैंने प्राइवेट बैठकें भी सुनी तो उसमें वो लोग जो विरुक्ति करते थे और जो मूल बेसिक मुखड़ा है उसके उससे कई ज्यादा मुखड़ों की जगह बना करके विरुक्ति को आसान और संभव कर देते थे जिसे आगरा घराने के पारंपरिक परिभाषा में मुखड़ा बंदी कहा जाता है वो अभिलुप्त तो हो गई है वो अभी कोई नहीं करता आगरा घराने में मतलब किसी भी गाने में नहीं करता मिसाल के तौर पर ये अलग लगा हुए ये मुखड़ा है ना मोरी जन्म की बरना जन्म की अब ये मुखड़ा हो जाएगा साधा नाना दा मोरी आ जन्म की जन्म की जन्म की ब मोरी जन्मगी 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 मोरी जन्मगी चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे ये चर जा करेंगे कितने तीन मुकड़े हो गए ना यहाँ पर चर जा करेंगे सब लोग था मैंने समझा हुआ मेरी सीमित मेधा से आगरा घराने का सौंदर्य विचार कैसे अपनाया जाए क्योंकि अन्य गायकों की जीवनी में जो होता है उससे एक विपरीत कालखंड मेरे जीवन में गुजरा कि 10 साल मैंने लोगों को सुना अभी मैं 2 साल पहले इंदौर गया था तो वहाँ पर रिक्शा में पीछे काफ़ी 8-10 रिक्शाएँ मैंने देखी ऑटो रिक्शा कि इसने कही उसने सुनी बापू कहे दोनों ज्ञानी बापूजी को क्यों लाया पता नहीं मुन्ना भाई देखा होगा फिल्म पर मैंने सुना सुना कैसे मैंने सुना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुना तो आजकल के युवा पीढ़ी के सामने इतने ऑप्शंस हैं
कि आप लोग जैसे एक एक्टर अलग अलग रोल्स में जाता है, अलग अलग किरदार में जाता है, अलग अलग भूमिका में जाता है, ऐसे आप जा सकते हो। मैं कोई आगरा घराने की बाकायदा तालीम मुझे नहीं है, पर एक्सपोजर है, मैंने सुना था बचपन में, मैंने मेरे पिताजी ने मुझे सब, और मुझे शौक भी था अपना। अब इसी मध्यालय के का कला मूल्य देखिए, भिंडी बाजार घराना कैसे अपनाता है। यहाँ से आमिर खान ने अपना गाना बनाया, ये वो जर्म है जिनसे उन्होंने सरगम बनाई। आमंदले से उन्होंने क्या सीखा मैं बताता हूँ, मेरा अनुमान बताता हूँ। नानी रे गा नी र म र र नी र ग म र नी म नी म रे ग म र ड म र म म म ग म ग ग ग ग रि रि ग रि रे स नि त स आ ज म र म ला गुल ग र व गु न र ग र स ह रे क सो ज म त व र स जन सुंदर सुगर जन बोले गुण रंग सोच मतवार सजन सुंदर सुगर जन मरणि रे रे नि दम गर सज मोरे मन ला कुसुम सुगंध चंदन कुसुम सुगंध चंदन कुसुम सुगंध
आत आमर सोत जन जमोरे मन लंगर जमोरे मन ला। अब इसमें क्या होता है, जो संस्कृत में कहा गया है दंडनिम पद लालित्यम, वो ये बात है भंडे बदर ग्रहण में हर मात्रा के ऊपर या उसके इर्द गिर्द अक्षर पढ़ते जाते हैं। मतलब ये काम आगरा घराने में नहीं हुआ, वो यहाँ पर हुआ। और दूसरा ये काम रातनकर जी ने किया, क्योंकि लखनऊ के नृत्य शैली के बंदिश के ठुमरी का असर उन पर पड़ा। उन्होंने बहुत सोचा कि मैं टालूं इस प्रभाव को, पर वो टाले नहीं, टला गया, वो हो ही गया। क्योंकि कथक नर्तक के लिए हर मात्रा पर आघात ये उसका श्वास है, वो उसका ड्रोन है। तो अब रत्नाकर जी ने क्या किया, सवरियान मेरु मन सगी हरलीन, सवरियान मेरु मन मेरो मन साए कि हाय रलीनु सावरिया। ये सब तत्कार हैं। मेरो मन जगे रलीनु सावरिया ने, मेरो मन साए कि हाय रलीनु सावरिया ने, मेरो मेरो मन जगे रलीनु सावरिया ने, मेरो 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 मन साए कि हाय रलीनु सावरिया ने, मेरो मन साए कि सवरिया ने, मेरु मन सखी हरलीनु सवरिया ने, मेरु मन सखी हरलीनु सवरिया ने। सुंदर सुरत रंग भरे जत छोरी, सुरबुद बिजर गई मोरी सारी, मेरु मन सखी हरलीनु सवरिया ने। अब ये मध्यलय को देखने का अंदर है कथक नर्तक नर्तकों का। सुवत जगत नित लाग रत लाग, सुवत जगत नित लाग रत लाग, प्रेम भई वाके चर वाके चर वाके चर नन की चेरी, मेरो मन सखी हरलीनु सवरिया ने, मेरो मन सखी हरलीनु सवरिया ने। अब ये बंदिश में क्या दोष है कि यहाँ पर दूसरी मात्रा से उठती है, तो फिर से हम लोग ध्रुपद की तरफ जा रहे हैं, प्री कंपोज म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। इसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बंदिश ही कह सकते हैं। और पहले पंक्ति को दोहरा सकते पर वो उठेगी वहां से, देर इज नो स्पेस। तो इसका हल खादिम हुसैन खान साहब ने निकाला, क्योंकि सम पर आने की क्रिया, सम पर आने की क्रिया है वहां पर। सावरे सलूनी से लगे मोरे नैन, सावरे सलूनी से लगे सावरे सलूने से लगे मोरे नैना, सावरे सलूने से लगे मोरे नैना, सखीरी तब तजिया में पड़ते नाही चैन, सावरे सलूने से लगे मोरे नैना। अभी देखिए इसमें तीन ताल का छंद, तीन ताल का मात्रा विचार, उसमें तुकबंदी, यमक अंत्य यमक, ये कितना विचार है। इतना बहुत कम बंदिश जितना खादिम हुसैन और भवन जी के उसमें विचार रही है। तो ये रहा कला मूल्य पारंपरिक रहते हुए भी उसको प्रत्यक्ष में लाने का अंदाज अलग हो सकता है। मेरे ख्याल से आप जो कह रहे थे मध्यलय की लेट, हाँ, तो आगरे घराने में वो शब्द क्रीड़ा के द्वारे होती है, हाँ, और भिंडी बाजार में आपने जो किया वह शब्द क्रीड़ा नहीं हो रही, नहीं है ना।
सरगम के कारण, सरगम के अंदर, क्योंकि सरगम में क्या है, लघु गुरु का पातक नहीं होता। अब मेरे जैसे भाषा सीखे हुए आदमी को पिया भी न, ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लघु अक्षर को आप दीर्घ नहीं कर सकते। पिया भी न, पिया भी न, खटकता है ना बोल। मैं बोलतान में भी ये ख्याल रखता हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीतकार को गुरु अक्षर कितना भी लंबा करने का अधिकार है, अधिकार है मतलब उन्होंने खुद बोल छीना है गायकी के लिए, देने वाला कौन है। तो इस तरह से मैं किराना घर और ग्वालियर की थोड़ी झलक बना के खत्म करता हूँ, क्योंकि कई सेशन में चलने वाली बात है। एक इससे जुड़ी हुई एक एक संस्मरण मैं आपको कह देता हूँ। ये तोड़ी जो है, ये हमारे पिताजी ने वो 25 साल की उम्र होगी उनकी, वो उधर गए थे अब्दुल करीम खान साहब के पास गए, बॉम्बे म्यूजिक सर्कल, द फर्स्ट म्यूजिक सर्कल ऑफ बॉम्बे, तेजी सेक्रेटरी वो थे। और उन्होंने खान साहब से गुजारिश की और खान साहब गाए, 100-125 लोग थे, लैमिंगटन रोड में कोई हॉल था, और वो खान साहब ने तोड़ी शुरू किया। अब देखिए, अब्दुल करीम खान साहब आमिर खां के इतनी विलंबित लाइन नहीं रखते थे, तीर की धिन कब शड़ज के पास 15-20 दिन निकल गए, वो महफिल पिताजी वर्णन करते थे। मतलब गाते वक्त खान साहब वो गंधार की जगह ढूंढ रहे हैं कि ऋषभ से आज मेरा ऋषभ की श्रुति ये लग रही है तो गंधार की क्या यही होनी चाहिए, क्योंकि वो देर इंटरडिपेंडेंट, परस्परावलंबित्व, हिंदी में शायद शब्द नहीं यूज। मोरे मध्यम का कण लेने से गंधार की जगह बदलती है। यहाँ पर 15-20 मिनट निकल गए और तार चढ़ पहुंचे तो 1.5 घंटा हो गया था, सबकी आंखें नम थी, ऐसा वातावरण हुआ था। और उन्होंने वो 2 रुपए की टिकट में कॉफ़ी और स्नैक था, बटाटा वड़ा था, तो आदमी कैंटीन का लेके आया था, उन्होंने बोला आप इंटरवल करो, मुझे वापस जाना है, तो ज़बरदस्ती इंटरवल करना पड़ा, तो एक भी आदमी उठा नहीं। तो और बाद में खान साहब ने शुरू किया, वो तोड़ ही गए, मतलब उसमें न कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, कुछ नहीं कुछ नहीं।
मतलब ये स्वरों का असर उस जमाने में और कोई प्रलोभन माध्यम मनोरंजन के नहीं उपलब्ध थे, तो लोगों ने वो सुना गाना है। तो ये एक सौंदर्य मूल्य है, सौंदर्य निष्ठा है ये कि सुर की तह में जाना। इस किराना घराने के सिंप्लिसिटी में कॉम्प्लेक्सिटी आमिर खान ने लाई संवादों की, जो कि भंडी बाजार से उनको रास्ता मिला, वो भंडी बाजार से उनको शॉर्टकट मिला। और ऐसे भी महाराष्ट्र में जो सवाई गंधर्व प्रणीत किराना घराना है उसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितनी कि अब्दुल हक प्रणीत, रोशन आरा, फैयाज नियाज, वहीद खां, इन लोगों में है। आमिर खां किससे सीखे, प्रभाव किसका था, वहीद खां और भंडी बाजार, और उधर रजब अली, तान क्रिया रजब अली से ली गई। आप हमेशा कहते हैं कि मासूम स्वराकृति में से, हाँ तो मासूम स्वराकृतियों में सच्चे स्वरों की खोज, बट दैट मेक्स इट ग्रेट, क्योंकि मासूम क्या इज अ रिलेटिव टर्म। बिल्कुल। अब ये स्टेप बाय स्टेप लिनियर डेवलपमेंट है, और ये जिन रागों को सूट होती है वही राग महाराष्ट्र सवाई गंधर्व प्रणीत या अब्दुल करीम खां का किराना घराना गाया। जिस राग में वैसे ही चल, वो कभी बरवा नहीं गाएंगे, छायानट नहीं गाएंगे, क्योंकि मालकों और तोड़ी का कुछ बिगड़ता नहीं है। अब कहीं भी कितना भी रुको, ऐसे वो राग गाए क्योंकि वो उनकी विचारधारा थी। अब इसके तुलना में जिसमें से जिसको आद्य घराना मानते हैं ग्वालियर, उसकी समग्रता देखिए। अभी किराना घराने की जो, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिनियर डेवलपमेंट की बात कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत एक ग्वालियर की बंदिश में पेश करता हूँ, जो शुरू में मुखड़ा ही उसका डेढ़ सप्तक कवर करता है। झूमरा है तेन कीट ता तीर के ये
Jaja de mora bata gaba biya da ye de wo ba diya ja Jaja de mora bata gaba biya da ye de wo ba diya ja Jaja de mora bata gaba biya da ye de wo ba diya मतलब यहां पर देखिए क्रमबद्धता का सीक्वेंस का अनुशासन पर्व यहां पर नहीं चल रहा है, मुक्त गायकी है। कारण सामान्य जनता को समझे, उनका मनोरंजन हो, इसकी उन गवाइयों को जरूरत नहीं थी। ग्वालियर का गुणीजन खाना इतना सबसे ज़्यादा उसमें गुणीजन थे, क्योंकि ये सब लखनऊ में जब वाजिद अली को पकड़ने ब्रिटिश फौज आई तो गायक वादक चतुर लोग होते हैं, वो चतुराई से भागे और यहाँ पहुँचे। और वाजिद अली खान साहब को लोगों ने भागने को कहा तो इतना वजन था उनका, और वो जुराब पहने वाला वो भी भाग गया था, उनको आदत नहीं थी, खुद जुराब पहन के जूते में पाँव डाल के भागे, वो नृत्य करने लगे खड़े होने के बाद, उनकी आदत ही थी वो, तो उनको पकड़ा गया, रंगून भेजा गया। तो ये गुणीजन खाने में 12 बजे दोपहर को जो पैलेस में खाना बनता था महाराजा के, वो जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था उनको सबको खाना मिलता था, इसीलिए तो गवैये वहाँ पर ठहरे। तो वो एक दूसरे को सुनाते थे, तो तुमने अगर मींड लिए तो मैं बोलतान लेता हूँ, तुमने बोलतान लिए तो मैं घसीट का काम करता हूँ। तो इससे जैसे लाल किले में, दिल्ली में लाल किले के सामने सब शायर लोग एक दूसरे को शायरी से इंटरेक्ट होते रहे, इसलिए वो शायरी एक मकाम पर पहुंची। ऐसे ग्वालियर में हुआ। और एक ग्वालियर की समग्रता देखिए, केवल इस घराने के जो उसको अनुगामी मिले, बाद में ऐसे रहा कि सब कुछ है हमारे पास मगर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं। हम सभी करते हैं, हमको सभी आता है, और बात सच भी है, सब बातें हैं, ऐसी कौन सी जयपुर घराने में बात है जो ग्वालियर में नहीं है। उस अंदाज से गाने वाला चाहिए, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक सम टाइम इन द लाइफ इन योर आर्क। तो जैसे अभी वो अभी तोड़ी में देखा ना आपने, जैसे बिहाग गा रहे हो तो ये पुरानी बात है, स्वर देना फार कठिन है। Ah, 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 ah,
शुरू से लेकर अंत तक आप मंद्र सप्तक में से तार सप्तक तक पूर्ण संचार। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कृष्णराव शंकर पंडित जी की पुरानी रिकॉर्डिंग अगर मिले ना, तो जनरली कोई भी जिसने 2-5 साल गाना सुना हो उसको कोई कैसेट लगा हो तो बताएगा कि गायक शुरू कर रहा है या मध्य में या अंत की तरफ है, पंडित जी का समझता नहीं है, क्योंकि शुरू से वो पूर्ण इतनी भूमि बना लेते हैं और 2.5 सप्तक नीचे के गंधर्व से ऊपर के, और कभी नीचे जाएंगे पता नहीं। तो ये एक अप्रोच है, ये क्रमबद्ध करना यानी जनरलाइजेशन लोगों को आसान कर देने के तरीके हैं। जे कुलकर्णी के सिक्वेंस से लिखते हैं कथा, ओ इंद्रेणी के सिक्वेंस से लिखी है कथा, छगन नमन कर अशी अशी कथा लिहिली आहे का त्यांनी, पेज येतात की नाही त्याच्यामध्ये इन एनी गिवन स्टोरी लाईन। तो ग्वाल्हेर की समग्रता, और ग्वाल्हेर में हर लय में और हर ताल में गाया है ग्वाल्हेर, कितनी बंदिश है। तो और अभी इसी बात को ऐसे कहा है हमारे गुरुजी ने, गुरुजनों ने हमको कहा है कि अराध्या खान साहब का कहीं बहुत रियाज करके आवाज़ किसी महाराजा ने इतना गवाया उनको, आवाज़ में दोष आ गया। अगर ये बात गले में नहीं है तो उन्हें इसमें, इससे एक तो क्या हुआ, स्पेसिफिसिटी आ गई, स्पेसिफिसिटी आ गई कि सब कुछ है, सब कुछ ही चल रहा है, हरकत आ रही है, मिनट रहे। तो इसकी जब किसी भी बात की अति हो जाती है तो दूसरे एक्सट्रीम पर कलाकार जाता है। अब आगरा घराने के बोल बनाव का काम इतना बड़ा होगा तो अमेरिका दूसरे एक्सट्रीम पर गए कि मैं बोल बनाव करूंगा ही नहीं, और लोगों को उसमें एक सुकून मिला। अभी आप आर्काइवल रिकॉर्डिंग में सब संभव है, आप 8 दिन अमेरिका सुनोगे तो आप आगरा घराने की तरफ फिर से भागोगे। किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो बोल बनाव, और बोल बनाव इतना आसान नहीं है। और आगरा घराने की जो अब ये जयपुर ने किया काम, अत्यंत स्ट्रक्चर बहुत सुंदर, और एक तान बनाई मतलब अभी सत्संग देहो देहो, लोग देव देव बोलते इधर, देहो देहो सत्संग बाबा गंग कारण शरण शिव के आगे देहो देहो। अभी आपको जयपुर घराने का स्पेसिफिक सुर डालने का, निश्चित और स्पेसिफिक, डेफिनेट, नॉट एम्बिग्यूअस, जैसे ग्वालियर में होता है, ग्वालियर में होता है एम्बिग्यूअस। तो क्या है कि संदिग्धता का भी अपना एक आलम होता है। Sometimes when the artist is not giving you definite things, you can imagine. Sometimes you get tired of it and you want something definite. So America gives you options. Jaipur Gharana doesn't, Kumarji doesn't. ये ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि उसमें एक एक, एक मुजोरी है, ये सालो सुनो, ये ऐसा ही होना चाहिए। But that sometimes makes it difficult for you to imagine something else. क्योंकि इतना सुर में और प्रभाव से वो आते हैं कि वो रंगना डारो श्याम जी वैसे ही गाना चाहिए ऐसे लगता है, और किसी तरीके से आप नहीं गा सकते हो, किसी अलग आवाज़ में गाओगे तो ये सब समस्या आती है। तो जयपुर ने तान करके ये शुरू का मूल्य था कि आकार में बढ़त करके, और एक तान क्रिया, बोल बनाव की बात उसमें थी नहीं, क्योंकि वो मुश्किल भी है बोल बनाने की, तो भाषा समझनी चाहिए। तो ये चारों घराने का आई थिंक बर्ड्स आई व्यू अपन ने ले लिया जो है। एक बिफोर वी गो जयपुर घराने के बारे में थोड़ा सा, कि ग्वालियर से उन्होंने जो अलग हुए तो उसमें एक तो आपने स्पेसिफिसिटी की बात की, जो तान बनाई, और 3 ताल और उसी पॉइंट से मुखड़ा उठाना, इसके बारे में थोड़ा सा थोड़ा रह गया। नहीं तिलवाड़े में क्या है, तिलवाड़े में मेरी समझ में धा तिरकिट धिन कद्धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन कत्तित धा धा धिन धिन, तो स्तंभ पर आने का फीलिंग नहीं है 3 ताल की तुलना में, 3 ताल की तुलना में हाँ। आणि तो उन्होंने आलादिया खाने तिलवाड़ा गाना छोड़ दिया,
तीन ताल में आया और वो मध्य खींचा हुई खींची हुई मध्य लय वो धा धिन हृदिन धा धा धिन। अभी वो मैं एक बात बताता हूँ कि अगर मुझे जयपुर का मूल्य समझा है तो मैं क्या करूँगा, ये जो बंदिश है ये कुमार जी ने उनको जयपुर घराना कितना समझा है, ये खुद को इसका खुद को सबूत देने के लिए ये बंदिश उन्होंने अपने लिए बनाई है कि देवदेह हो या प्यारी पग होले मुझे नहीं गाना है। और वो गा करके कुछ ना करो तो भी आप जयपुर घराने के हो गए तो आपके उदयपुर होने का ज्यादा डर है उसमें। दा तिन तिन ता दा रा सा राओ बेना ने राओ साओ बला गेरी ये दा रा ना। ये कुमार जी का बंदिश और पेचीदा करके मैं गा रहा हूँ, आधी और पाव मात्रा को स्पर्श करते हुए और धुन का घात नहीं कर रहा हूं पर आघात स्थान नए हैं। लागे री सा कछु नये परी जयपुर घराना का मूल्य हुआ ना, बंदिश जयपुर घराने की नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि उस घराने की गायकी पेश करने के लिए उसी घराने की बंदिशें गानी चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा है। नहीं है या उसी आवाज में गाना आप चाहिए? वो बंदिशें उस घराने की गाइए या ना गाइए दूसरी गाइए पर वो कला मूल्य तो होना चाहिए ना। ये लिल्ट है, ये लिल्ट है, 5-7 मिनट भी लिल्ट से गाना मुश्किल है। अभी क्या है ना संगीत में, अभी सब घरानों का निचोड़ अपने तरीके से कुमार जी ने लिया जो उन पर संस्कार हुए और उन्होंने हमें भी वही संस्कार की ओर आकर्षित किया पारंपरिक कला मूल्यों के, खुद के कला मूल्य हमारे पर उन्होंने, मैं और मुकुल शिवपुत्र हमारे पर उन्होंने थोपे नहीं, उनको नहीं इच्छा थी, लाइक अलादिया और अब्दुल करीम खुद का घराना करने की उनको इच्छा नहीं थी, मेरे विचार लो। पर ऐसा एक तीन घरानों का सौंदर्य विचार गजानन बुआ जोशी ने भी लिया, आगरा जयपुर और ग्वालियर, ऐसा आमिर खान ने भी, वहीद खां वाला कॉम्प्लिकेटेड किराना
रजबल्ली का जो एक मिक्सचर था जो जयपुर और ग्वालियर और बीनकार और अमान अली, ऐसे तीन लोगों का उन्होंने भी एक गुलदस्ता बनाया तीन अलग फूल लेकर के, ऐसे पुराने लोग थे। और आजकल तो कितना भूमिका है, एक एक बहुत मराठी नाट्य जगत की एक महान हस्ती महिला हस्ती है, तो ऐसे ही मेरा प्रोग्राम चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हाउ वंडरफुल ये घरानों की बातें और गाना कि नो वन कैन डू इट बेटर देन यू, पर तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी क्या। बाद में गपशप हो रही थी, मैंने कहा ये अच्छा धंधा है, मैंने कहा तुम हर किरदार में अलग होने का कि घमंड में हो और मेरी क्यों एक ही एटीट्यूड हो, मैं अलग अलग भूमिका में जैसे आप जाती हैं मैं भी जा सकता हूँ। इतना ग्वालियर घूम के ताक तक धिन ना धिन धातर कर ताक तक गो जरा सी बात पर बरसों के यारा ने गए जा सकता हूँ, तो मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, आप लोग तो हर एक भूमिका में जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं।